मैं गंगा हूँ, श्री हरि के चरणों से निकलने वाली, महादेव की जटाओं से बहने वाली, मैं गंगा हूँ। यूँ तो मेरा कोई रंग रूप नहीं है, लेकिन मैंने युगों युगों से इस देवधरा पर कई रंगों कई रूपों को ढाला है। मैंने इस मृत्युलोक पर ना जाने कितने पाप और पुण्यों को संभाला है। क्या नहीं देखा है मैंने यहाँ, भागीरथी बनकर जब से आई हूँ तब से लेकर आज तक, चट्टानों से मैदानों तक, देवताओं से इंसानों तक, इंसानों से शैतानों तक, आस्था और विश्वास को, टूटती हुई आस को, मान अभिमान, हिंसा अहिंसा, सुख दुख, लोभ माया, जीवधारी और मृतकाया, क्या नहीं देखा है मैंने यहाँ, आज को कल को, नए को पुराने को, बदलते हुए युगों को, बदलते हुए जमाने को। मैं आज आपसे वही साझा करने आई हूँ जो मेरी आत्मकथा भी है और आत्मव्यथा भी। प्रियजनों, युगों पहले सतयुग में मैं ब्रह्मलोक ब्रह्म कमंडल में थी। उसी युग के एक कालखंड में पृथ्वी पर सगर नाम के एक राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ से स्वर्ग के राजा इंद्र को अपना सिंहासन छिन जाने का भय हुआ और उसने इस महायज्ञ में बाधा डालने के बहुत प्रयत्न किए, किंतु असफल रहा। अंत में राजा इंद्र ने यज्ञ का अभिवेशित घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। कपिल मुनि उस वक्त ध्यान समाधि में लीन थे। जब राजा सगर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढने को भेजा। राजा सगर के उन 60,000 पुत्रों ने हर जगह हर लोग ढूंढा, किंतु घोड़ा नहीं मिला। अंत में लौटते वक्त मार्ग में जब कपिल मुनि के आश्रम के पीछे उन्होंने घोड़ा बंधा पाया तो उन्हें यही लगा कि कपिल मुनि ने ही यह सब किया है। उन्होंने अनेकों दुर्वादों के साथ मुनि को सताना आरंभ किया, जिससे कपिल मुनि का ध्यान टूटा और उन्होंने सगर पुत्रों को श्राप दे डाला। सगर पुत्र तत्काल भस्म होकर राख के एक बड़े ढेर में बदल गए। प्रियजनों, जब राजा सगर को यह बात पता चली तो उन्होंने कपिल मुनि से पुत्रों के जीवन की प्रार्थना की। मुनि को भी योग माया से सत्य मालूम हो गया था, अतः उन्होंने कहा, हे राजन, अब इनकी आयु शेष नहीं है, इसलिए यह जी नहीं सकते, परंतु मैंने बिना विचारे इनको भस्म किया है। मेरा धर्म है इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। कपिल मुनि ने आगे कहा कि यदि ब्रह्मालोक से गंगा जल लाकर इस राख की ढेरी पर छिड़क जाए तो यह सब मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन राजा तो शक्तिहीन हो चुका था और यह कोई साधारण कार्य भी नहीं था। तो कपिल मुनि ने कहा, मैं कहता हूँ एक समय अवश्य गंगा की धारा से यह सब मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे ही वंश में इनका उद्धार करने वाला पैदा होगा। यह कपिल मुनि का एक वरदान ही था। वापस आकर राजा ने अपने बड़े फाटक पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, मेरे वंशधर राजाओं में यदि किसी में सामर्थ्य हो तो वह ब्रह्मलोक से गंगा जल लाकर मेरे 60,000 पुत्रों का उद्धार करें, जिनकी राख की ढेरी कपिलाश्रम में पड़ी है। राजा सगर की तीसरी चौथी पीढ़ी के राजा राजा भगीरथ ने जब सिंहासन प्राप्त किया तभी उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक अपने पितरों का उद्धार नहीं करूंगा तब तक मैं राज नहीं करूंगा। हे हिमगिरिवत्स, कितनी कठिन प्रतिज्ञा थी, कहाँ ब्रह्मलोक और कहाँ यह नश्वर मानव देह। लेकिन उद्योगशील वीर पुरुष के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। हे भारत, पूर्व समय में तुमने कैसे कैसे सत्यव्रती, प्रतिज्ञा पालक और पौरुष इत्यादि नाना प्रकार के वीर रत्न पैदा किए थे,
किंतु आज इन रत्नों का अभाव है। वीर भगीरथ ने राजपाट त्याग कर श्रीकंठ हिम शिखर पर उग्र तप किया। उस तेज तप से मेरा प्रसन्न होना स्वाभाविक था। मैंने दर्शन देकर भगीरथ को कहा, वत्स, मैं तुम्हारी इस अटूट आस्था से वशीभूत होकर मृत्युलोक आने को तैयार हूँ, लेकिन तीनों लोकों में महादेव के अतिरिक्त कौन है जो मेरे इस प्रबल वे को अपनी शक्ति से थाम सके? क्योंकि यदि मुझे ग्रहण करने वाली कोई महाशक्ति विद्यमान नहीं होगी तो धरा के गिरते ही धरा के खंड खंड हो जाएंगे। हे हिमगिरिवत्स, भगीरथ ने सतोपथ और सुमेरु शिखर पर महादेव का उग्र तप किया। महादेव की समाधि खुल गई। उन्होंने भगीरथ को दर्शन दिए। भगीरथ ने उनसे निवेदन किया और वह प्रसन्न हो गए। कहा, वत्स, मैं तैयार हूँ। और अपनी जटा फैलाए पांव धरा पर खूब जमाकर मेरी प्रतीक्षा करने लगे। अपने प्रबल वेग के साथ मैं ब्रह्मालोक से आकाश को चीर कर उतर आई और महादेव ने मुझे अपनी जटाओं में थाम लिया। जब वेग हल्का हुआ तो महादेव इस त्रिलोकी निधि को पाकर भगीरथ को देने का विचार भूल गए और अंतर्धान हो गए। प्रियजनों, उस दिन वैशाख मास की शुक्ला सप्तमी थी। यह तिथि पृथ्वीलोक पर मेरे जन्मदिन के रूप से मनाई जाती है और गंगा सप्तमी के नाम से प्रसिद्ध है। भगीरथ ने फिर से शिव का उग्र तप किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य रथ दिया और कहा, आप इस रथ पर बैठकर जाएं, गंगा की धारा स्वयं आपके पीछे आ जाएगी। तब महादेव ने हिमालय के उसी सतोपथ पर्वत शिखर से मुझे अपनी जटा बांध के एक धारा के रूप में छोड़ा और मैं 10 धाराओं में विभाजित हो गई। मेरी 9 बहनें अलग अलग पर्वतों से गमन कर चली और मैं मोक्ष धारा भगीरथ के दिव्य रथ के पीछे चलने लगी तथा भागीरथी बन गई। उस दिन ज्येष्ठ माह की शुक्ला दशमी थी, इसलिए वह दिन गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है।